आज का वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ होटल व रेस्टोरेंट स्टाइल में भिंडी मसाला बनाना। मिनटों में बन जाने वाली दही भिंडी मसाले की स्पेशल रेसिपी होटल व रेस्टोरेंट वाले जो ट्रिप इस्तेमाल में करते हैं वो ट्रिप आपको मैं बताऊंगी। जो हम दो वो दही बिंदी हम चटकारेदार चट कर जाते हैं वो दही बिंदी बताऊंगी। मसाला बिंदी बनाने के लिए मैं 250 ग्राम बिंदी ली और 250 ग्राम बिंदी को दोनों मुंह को कट कर लूंगी और बीच में से चीरा लगा लूंगी। चीरा लगाने पे ये भी पता चल जाएगा भिंडी कच्ची है या नहीं है, और इसके अंदर दही भिंडी के अंदर मसाला एकदम ग्रेवी अंदर चली जाएगी तो दही भिंडी का अलग ही टेस्ट आ जाएगा। एकदम टेस्टी दही भिंडी मसाला बनाएंगे। मेरा मिशन है आपको आसान ट्रिक सिखाना, आपका काम है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री में, लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में मेरे को बताना है कैसी लगी नवे रसोई की भिंडी मसाला रेसिपी। ऐसे करके एक एक करके मैं सभी भिंडियों के मुंह कट करके और चीरा लगा लेती हूँ, और एक एक करके सभी को चीरा लगा के तैयार कर लिए। देखिए आप कितनी प्यारी, और जो बड़ी साइज की भिंडी है उसके उसको दो टुकड़ा कर लेना है। बड़ी भिंडी थी उसका दो टुकड़े कर ली मैं, और इतनी अच्छी इतनी लाजवाब भिंडी, बिल्कुल कच्ची भिंडी लेनी है भिंडी मसाला बनाने के लिए। अब मैं लेती हूँ 4-5 हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी मैं खड़ी साइज में कट करूँगी, इसके मुँह को कट करके, और इसे भी मैं भिंडी जैसे ही खड़ी साइज में कट करूँगी। बीच में से कट करके अब उबे साइज में कट करूंगी इसे खड़ी साइज में, क्योंकि भिंडी मसाला के अंदर मिर्ची का तो इतना अच्छा फ्लेवर आता है, इतना टेस्ट आता है कि भिंडी बनाए जब हरी मिर्च का तो उपयोग जरूर करना है। भिंडी को फ्राई करने के लिए मैं गैस पे तेल से डाल लेती हूँ। भिंडी को फ्राई करने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, और अब मैं भिंडी को फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरह से। भिंडी को फ्राई करने पे इतने सॉफ्ट हो जाएंगे। भिंडी मसाला बनाना घर पे बहुत आसान है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। भिंडी बिल्कुल फ्राई हो रही है और भिंडी का कलर चेंज हो गया है। अब इस स्टेज में मेरे को भिंडी को बाहर निकालना है। भिंडी को बाहर निकाल लेती हूँ एक प्लेट के अंदर। फ्राई की हुई भिंडी देखिए कितनी प्यारी और कितनी अच्छी लग रही है, एकदम शानदार लग रही है फ्राई की हुई भिंडी। अब फ्राई किया हुआ तेल है उसके अंदर ही मैं और तेल ऐड कर दूंगी, ऑयल ऐड कर दूंगी, और मैं इसी के अंदर ही गैस को चालू ही रखना है, और मैं गरम मसाले डाल देती हूँ इसके अंदर। इसके अंदर मसाला डाला जीरा, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च, तेज पत्ता मैं इसके अंदर ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दो मिर्च डालूंगी सूखी लाल, दो मिर्च सूखी लाल ऐड कर दी हूँ इसके अंदर। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा भिंडी मसाले के अंदर। अभी इसे फ्राई होने के बाद में देखते हैं आगे। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई होने पर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन व अदरक का पेस्ट। अब लहसुन और अदरक का पेस्ट को बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, और इसको ब्राउन कलर होने देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट को। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी दो पिंच हींग,
दो पिंची हींग ऐड कर दी हूँ, अभी इसे भी मिक्स कर दूंगी। एकदम लाजवाब भिंडी मसाला बनके तैयार होगी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, मैं प्याज का पेस्ट बना के रखी थी वो प्याज का पेस्ट ऐड कर दूंगी इसके अंदर। प्याज को बिल्कुल ब्राउन ब्राउन कलर में पकाना है और लो फ्लेम पे पकाना है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी आधी चम्मच हल्दी पाउडर। इसके अंदर ऐड करूंगी कश्मीरी मिर्च से भिंडी मसाले के अंदर कलर अच्छा आ जाएगा। ये चरकी नहीं होती है, ये कलर के लिए है। एक चम्मच डालूंगी नमक अपने स्वाद अनुसार आप ऐड कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी एक चम्मच अमचूर पाउडर। भिंडी मसाले के अंदर अमचूर का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। मैं एक चम्मच ऐड करूंगी लाल मिर्च पाउडर। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे बिल्कुल सभी मसाले को और इसे पकाएंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कस्तूरी मेथी का भिंडी मसाले के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए आप इसके अंदर एकदम ग्रेवी वाला मसाला बनके तैयार हो गया, साइडों के अंदर तेल निकल रहा है। अब मैं इस स्टेज पे डालूंगी इसके अंदर टमाटर का पेस्ट एकदम प्याज के पेस्ट को पकने के बाद में ही टमाटर का पेस्ट ऐड करना है। अच्छी तरह से टमाटर का पेस्ट को चला देती हूँ। देखिए कितनी प्यारी भिंडी मसाले की ग्रेवी बनके तैयार हुई, कितनी लाजवाब। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूंगी एक आधी चम्मच गरम मसाला, चुटकी भर गरम मसाला ऐड करूंगी इसके अंदर। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब इस स्टेज पे बिल्कुल पक गया मसाला और मैं इसके अंदर ऐड करूंगी खड़ी कटी हुई हरी मिर्च। इसका इतना अच्छा फ्लेवर आएगा भिंडी मसाले के अंदर, खड़ी भिंडी है और खड़ी हरी मिर्च है तो इतनी प्यारी इतनी अच्छी भिंडी मसाले के अंदर हरी मिर्च का टेस्ट आएगा, इतना लाजवाब। देखिए कितना प्यारा कितना टेस्टी भिंडी मसाला बनके तैयार हुआ है, एकदम रेस्टोरेंट वो होटल स्टाइल में बनके तैयार हुआ है। खाने वाले तो एकदम ऐसे करने लग जाएंगे वाह वाह क्या भिंडी मसाला बनाई हो आप। घुमाते रहना इसे थोड़ी थोड़ी देर पे क्योंकि ये नीचे चिपके ना। देखिए कितना प्यारा भिंडी मसाला बनके तैयार हुआ है। हम इसे थोड़ी देर ढक के पकने देती हूँ, ढक देती हूँ इसे थोड़ी देर पकने देती हूँ इसे। मैं इसे चेक करती हूँ भिंडी मसाला का ग्रेवी तैयार हुई नहीं हुई। देखिए कितनी प्यारी ग्रेवी बनके तैयार हो गई। ग्रेवी ने बिल्कुल तेल ऑयल छोड़ दिया है चारों तरफ, देख सकते हो आप।
बिल्कुल अच्छी ग्रेवी को जब तक पकाना है जब तक ऑयल ना छोड़े। अब मैं इस स्टेज में के अंदर ऐड करूँगी फेट किया हुआ दही। गैस को बंद करके फिर ऐड करना है दही को। दही को अच्छी तरह से मिलाना है और जल्दी जल्दी मिलाना है क्योंकि दही फटने का डर रहता है, दही फटे ना। वैसे तो मैंने गैस को बंद कर दिया, फटने का तो नाम ही नहीं है। गैस को बंद करके फिर मिक्स कर रही हूँ। अभी इस स्टेज पे मैं गैस को चालू कर देती हूँ। देखिए आप, दही बिल्कुल मिक्स हो चुका है और ऊपर ऑयल ऑयल आ गया है। ऑयल दिखाई दे रहा है आपको बिंदी मसाले के अंदर। कितनी अच्छी बिंदी मसाले की ग्रेवी बनके तैयार होगी दही बिंदी बनाने के लिए। अब मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी फ्राई की हुई बिंदी। फ्राई की हुई बिंदी इसके अंदर ऐड कर दूँगी ग्रेवी के अंदर। दही बिंदी बनाना बहुत आसान है। बिंदी की सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन दही बिंदी मसाला आपने ना तो बनाया होगा ना खाया होगा। मेरी स्टाइल में एक बार दही बिंदी मसाला बना के आप खाना, डेली बना के खाना पसंद करोगे। देखिए कितनी अच्छी कितनी प्यारी दही बिंदी मसाला बनके तैयार हुई है, एकदम रेस्टोरेंट होटल ढाबे जैसे स्टाइल में बनके तैयार हो गई। मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ हरा धनिया कटा हुआ। हरे धनिये से एकदम फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिंदी मसाले के अंदर। देखिए कितनी अच्छी बिंदी मसाला बनके तैयार हुई है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। एक बाउल के अंदर मैं बिंदी मसाले को निकाल ली हूँ। देखिए कितनी प्यारी बिंदी मसाला बनके तैयार हुई है। अभी इसे आप खा सकते हो पराठा पूड़ी चपाती रोटी इनके साथ। आप बिंदी मसाले को खा सकते हो, दही बिंदी मसाले को खा सकते हो। और नव्या रसोई के अंदर आपको बिंदी मसाले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे को कमेंट में बताना दही बिंदी मसाला कैसी लगी कैसी नहीं लगी आपको। धन्यवाद।